नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JD कंप्यूटर में। दोस्तों आज की टाइपिंग स्पीड है 40 शब्द प्रति मिनट की गति से। टाइपिंग शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पुनरीक्षण जिस दांडिक प्रकरण से उद्भूत है कोमा उसके साथ तथ्य यह है कि विचारण न्यायालय के समक्ष परिवादी की ओर पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध परिवाद पत्र अंतर्गत धारा 138 पर क्रम में लिखित अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया है कि परिवादी KJS सीमें राजनगर मैहर कोमा जिला सतना सीमेंट के निर्माण करने व उसका विक्रय करने का व्यवसाय करती है। फुल स्टॉप। आरोपी ने परिवादी कंपनी से सीमेंट क्रय करने हेतु दिनांक 15/11/2018 को भारतीय स्टेट बैंक सिटी ट्रेड सेंटर कोमा बस स्टैंड रोड सतना के शाखा कार्यालय का चेक क्रमांक 16/17 दिनांक 30/11/2018 कीमती 30 लाख रुपए का दिया था कोमा जिसके आधार पर परिवादी कंपनी ने आरोपी को सीमेंट दिया था। फुलस्टॉप। परिवादी कंपनी द्वारा उक्त चेक भुगतान करने हेतु दिनांक 2/2/2019 को जमा किया गया कोमा किंतु उपरोक्त चेक दिनांक 4/2/2019 को आरोपी के द्वारा पेमेंट करने से रोक लगाने के कारण नगदीकरण नहीं हुआ और चेक डिसऑनर होकर परिवादी कंपनी को प्राप्त हुआ कोमा जिसके संबंध में सूचना देने पर दिनांक 15/2/2019 तक चेक की राशि का भुगतान कर देने का वचन देने के बावजूद भी चेक की राशि का भुगतान नहीं किया गया परिस्टॉप जिसकी वजह से धारा 138 NIF का परिवाद पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
स्टॉप करा लेंगे। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 10/4/2019 को आरोपी के विरुद्ध धारा 138 NIF के अपराध का संज्ञान लिया जाकर आरोपी की उपस्थिति हेतु सूचना पत्र जारी किया गया तथा आरोपी की उपस्थिति के उपरांत आलोच्य आदेश दिनांक 15/11/2021 अनुसार परिवादी द्वारा धारा 143 पर क्रम में लिखित अधिनियम का आवेदन पेश किए जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी को चेक राशि का 20% राशि अंकों में लिखेंगे 6,00,000 रुपये परिवादी को अंतरिम प्रतिकर के रूप में प्रदाय किए जाने हेतु आदेशित किया गया है, कॉमा से बैधित होकर धारा 397 एवं 399 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की है। फुल स्टॉप पैरा लेंगे। पुनरीक्षण इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15/11/2021 विधि की मंशा कोमा प्रक्रिया एवं नैसर्गिक न्याय सिद्धांत के विपरीत है। NIF की धारा 143 दंड प्रक्रिया संहिता में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि यदि आरोपी 60 दिवस के अंतर्गत परिवाद को निर्णय कराने में सहयोग करने को तैयार है तो उक्त धारा को प्रभावी करना आवश्यक नहीं है, कॉमा जिसके संबंध में उसके द्वारा न्याय दृष्टांत भी पेश किए गए थे, कॉमा परंतु उस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया। फुल स्टॉप एट आओ पुनरीक्षणकर्ता द्वारा उक्त आधारों पर आलोच्य आदेश अपास किए जाने का निवेदन किया गया है। फुल स्टॉप स्टॉप।